Hey guys, this is Mama Shweb back again with another video and you are watching Digital Notice. तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Acorn Collective की एंड इसके प्री ICO सेल की. तो एज यूजुअल हम बात करेंगे इसके कंसेप्ट की, टेक्नोलॉजी की और फ्यूचर प्रिडिक्शन की और क्या इस ICO में, मतलब जो प्री ICO है, इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं. तो शुरू करने से पहले बस मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल बटन को भी क्लिक करें ताकि आप हमारी तरफ से कोई भी अपडेट मिस ना करें. तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके कंसेप्ट की. तो इसका जो कंसेप्ट है वो निकल के आता है क्राउड फंड से, मतलब क्राउड फंडिंग से. और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भाई जब हमें एक बिजनेस खड़ा करना होता है, एक बिजनेस स्टार्ट करना होता है, तो हमें काफ़ी सारी इनिशियल कैपिटल उसमें इन्वेस्ट करनी पड़ती है ताकि हम उस बिजनेस को स्टार्ट कर पाएं. और बहुत सारे हम में से ऐसे भी होते हैं कि स्टिल हम लोग जॉब्स में हैं और हमारे पास बहुत अच्छे आइडियाज़ भी हैं, तब भी हम जॉब करे जा रहे हैं बिकॉज हमारे पास अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा नहीं है. बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास अगर थोड़ा बहुत पैसा भी है तो हमें लगता है कि एक इनसिक्योरिटी सी होती है कि नहीं, क्या हमारा बिजनेस चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, और इतना सारा जो हमारा फंड्स हैं वो डूब जाएंगे जो हम उसमें लगाएंगे. तो अब ये भी हम लोग जानते हैं कि जो अगर जो आप बिजनेस बैकग्राउंड से होंगे, आप लोग ये भी जानते हैं कि भाई जब हम एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, हम किसी बैंक के पास अपना लोन के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर बैंक हमसे अलग अलग तरीके की फॉर्मेलिटीज़ कराती है, बहुत सारे सवाल हमसे पूछे जाते हैं, एंड इनफैक्ट हमसे उस लोन के बदले में आगे तक की प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स और फिर हमारी कितनी सारी प्रॉपर्टी वो रखता है बैंक अपने पास ताकि हम एक वो लोन ले सकें और अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकें. तो अगर हमारे पास इतनी ही ज़्यादा प्रॉपर्टीज हुआ होती तो हम शायद इन्वेस्टमेंट के लिए इतना ज़्यादा परेशान नहीं होते. तो ये बैंक्स को, अब बैंक्स अपनी जगह सेफ रहना चाहते हैं और हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं नहीं, हमारे पास आइडिया है, बिजनेस आइडिया जिसको हम मतलब एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और हमारे पास पैसे नहीं हैं. फिर कुछ कंसेप्ट ऐसे भी चालू हुआ जिसमें जो इन्वेस्टर से वो लोग इंटरेस्ट लेने लगे स्टार्टअप्स के अंदर. तो जो स्टार्टअप जो टीम्स होती थी वो जाके पिच करा करती थी. अगर अब भी इनफैक्ट ये सारा कुछ चल रहा है कि वो अब भी जो स्टार्टअप्स हैं वो अपने आइडिया को पिच करते हैं इन्वेस्टर्स के सामने ताकि इन्वेस्टर्स जो हैं उसमें इंटरेस्ट शो करें और उनके जो आइडिया है उसमें पैसा लगाएं. तो अभी ये सारी चीज़ें हमने देखा पीछे के कुछ सालों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी, नए नए स्टार्टअप्स निकल के आ रहे थे और वो बहुत बड़े बड़े जो इन्वेस्टिंग हाउसेज हैं वो इन्वेस्ट कर रहे थे. हर दूसरे दिन हमें एक न्यूज़ देखने मिल रही थी कि इसको इतनी फंडिंग मिली, इसको इतनी फंडिंग मिली. तो ये पीछे के कुछ जो साल थे ये स्टार्टअप्स के लिए बूम रहे हैं अगर इंडिया की हम बात करें स्पेशली. तो अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट तो ज़रूर कर रहे हैं आपके पूरे प्रोजेक्ट में, लेकिन वहाँ पे क्या कर रहे हैं कि वो एक हिस्सा, मतलब एक काइंड ऑफ इक्विटी शेयर्स वो लेते हैं, बदले में कुछ शेयर लेते हैं आपकी कंपनी में. तो वहीं कहीं ना कहीं वो एक तरीके से पार्टनरशिप जैसा ही होगा कि आइडिया आपका है, पैसा उनका है और आपने एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया. लेकिन यहाँ एटलीस्ट आपके आपको जो है वो बैंक के दरवाजे इतनी नहीं खटखटाने पड़ रहे बिकॉज बैंक के सामने तो लोन लेना बहुत ही मुश्किल होता है. तो फिर कंसेप्ट चालू हुआ क्राउड फंडिंग का. तो क्राउड फंडिंग का क्या था बेसिकली, किक स्टार्टर ने सबसे पहले ये चीज़ स्टार्ट करी क्राउड फंडिंग की. किक स्टार्टर अपने आप में भी एक स्टार्टअप था जहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया कि जहाँ पे आप अपना जो आइडिया है वो पोर्ट्रे कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ वीडियो और या जो भी है, पूरा आइडिया आप एक्सप्लेन कर सकते हो. लोग उस आइडिया को आके देखेंगे और उनको लगता है कि इस आइडिया में पोटेंशियल है तो वो अपनी गुंजाइश के हिसाब से जितना भी उनका बजट है उसके हिसाब से वो आपको क्राउड फंड कर सकते हैं, यानी मतलब आपको डोनेट कर सकते हैं, चाहे वो $10 हो, $100 हो, $1000 हो, अपने हिसाब से वो कर दे, मतलब जो है डोनेशन करते हैं. उस पैसे से इकट्ठा करके आप बिजनेस स्टार्ट करते हो. अगर आपका बिजनेस अच्छा चलता है तो आप इन टर्म्स रिटर्न में उनको चाहे वो गिफ्ट देते हैं या चाहे उनको स्टॉक होल्डर्स बनाते हैं, तो कुछ भी आप बदले में उन जो आपके जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बदले में कुछ भी दे सकते हैं, या तो आप उनको कुछ स्टॉक्स दे सकते हैं. बहुत सारे लोग गिफ्ट्स वगैरह दे देते हैं, बहुत सारे लोग कुछ रिटर्न में विद प्रॉफिट उनका जो अमाउंट है वो लौटा देते हैं. तो इस टाइप के जो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म थे ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने लगे. किकस्टार्टर मैंने जैसा बताया आपको कि वन ऑफ द बेस्ट था और सबसे बड़ा नाम था इस फील्ड में.
इनफैक्ट है अभी भी। और इंडिया में की भी बात करें तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे किक स्टार्टिंग प्लेटफॉर्म्स थे, लेकिन वो इतने कामयाब नहीं हो पाए एज कम्पेयर टू किक स्टार्टर। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो हमारे किक स्टार्टर जैसे प्लेटफॉर्म है, जो क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे भी जितनी भी क्राउड फंड इकट्ठा हो रहा है, जितने भी फंड इकट्ठे हो रहे हैं, वहां पे भी कुछ सेक्शन ऑफ द जो जो फंड्स इकट्ठे हुए हैं वो प्लेटफॉर्म ही रख लेता है एज अ फीस। यानी मतलब से सपोज आपने $1,000 आपको क्राउड फंडिंग मिली किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो उसमें से नियर अबाउट 5-10% जो भी बनता है वो किक स्टार्टर जो प्लेटफॉर्म है वो रख लेगा, और बाकी का जो फंड्स हैं वो आपको मिलेंगे। नाउ इसी चीज को अब डिसेंट्रलाइज किया गया है। एकॉन कलेक्टिव ने ये चीज करी है कि यहाँ पे इसी पूरे कंसेप्ट को इन्होंने डिसेंट्रलाइज कर दिया है। दे आर यूजिंग ब्लॉकचेन, और यहाँ पर जो एक तरीके से जो कट है, कमीशन कट है, वो बिल्कुल जीरो है। यानी मतलब जितना क्राउड फंड आप उठाएंगे, जितना पब्लिक से आपको मिलेगा, उतना पूरा 100% आपका होने वाला है। यहां पे ये प्लेटफॉर्म कुछ भी नहीं रख रहे हैं। तो चलिए और डिटेल में बात करते हैं इसके बाकी व्हाइट पेपर्स की, इसकी वेबसाइट की, और क्या क्या इस हमें इस टोकन सेल के बारे में जो डिटेल्स हैं। तो जैसे कि आप इनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं कि इनका अभी जो प्री आईसीओ सेल है वो चल रही है, और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपके पास 11 दिन एंड 6 घंटे हैं आप डिसाइड करने में कि आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं। तब तक आप इसको एनालाइज करिए, इसके वाइट पेपर्स में जाइए, इसकी वेबसाइट पे जाइए, सारी डिटेल्स लीजिए और फिर डिसाइड करिए। और यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं कि अभी 50% डिस्काउंट मिल रहा है प्री आईसीओ सेल में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो। बाकी बात करते हैं इसके और फीचर्स की। यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें आपको पता लगेगा कि कैसे ये क्राउड फंडिंग को चेंज कर रहे हैं। ऑलरेडी मैं आपको वैसे वीडियो में बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ कुछ फीचर्स और हैं जो मैं बता दूँ कि जैसे पहले क्या होता था कि जो हमारे क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म से वो कमीशन के साथ तो लेते ही थे। यहाँ पर सिर्फ क्या है कि यहाँ पर सिर्फ आपको ERC20 टोकन जो है, जो इनका एकॉन टोकन होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ उसका जो ट्रांजेक्शन फीस है वो ही आपका यहाँ पर खर्चा होने वाला है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। फिर यहाँ पर जो अगली चीज़ है, दैट इज़ कि ऑल लीगल प्रोजेक्ट, जितने भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आएंगे वो लीगल होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी पोस्ट कर देगा एंड आप मतलब उसको क्राउड फंडिंग मिलनी चालू हो जाएगी। यहाँ पूरी तरीके से पहले प्रोजेक्ट को रिव्यू किया जाएगा और फिर उसी के बाद इनके मतलब जो प्लेटफॉर्म है उस पर चलाया जाएगा ताकि उसको क्राउड फंड मिलना चालू हो। फिर यहाँ कंट्री का बैरियर कोई नहीं है किसी भी कंट्री का। पहले क्या कंसेप्ट था कि भाई USDs में क्राउड फंडिंग मिलती थी तो बहुत सारा मुश्किल होती थी कि जो दूसरी कंट्रीज के लोग हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स को डाल रहे थे। इनफैक्ट किक स्टार्टर बहुत सारी कंट्रीज के प्रोजेक्ट्स को मतलब अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं डालने देते थे, सिर्फ कुछ लिमिटेड कंट्रीज के ही डालने देते थे। इनफैक्ट अगर उसके अलावा भी अगर से सपोज इंडियन प्रोजेक्ट को वो अगर डालने की परमिशन देते भी हैं तो वो प्रोजेक्ट जो है वो USDs में जो क्राउड फंड इकट्ठा करेगा, और इतना बड़ा अमाउंट USD में लेकर आना बैक टू इंडिया तो एक बड़ी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये क्रिप्टो करेंसीज ने खत्म कर दी हैं। यहाँ पे कंट्रीज का कोई बैरियर नहीं है, यहाँ पे कितने भी अमाउंट आप भेज सकते हैं, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन है, तो जितना भी अमाउंट आपको क्राउड फंड मिलेगा कहीं भी किसी भी कोने से दुनिया के, वो सिंपली आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर मतलब अपनी कंट्री को ला सकते हैं और यहाँ पे उसको कैश करा सकते हैं। तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और भी इसके फीचर्स हैं जिसके थ्रू आप जा सकते हैं। इससे पहले हम वाइट पेपर्स पे जाएं एंड टीम पे जाएं, उससे पहले देखते हैं इनके प्रोजेक्ट्स किस टाइप से नजर आएंगे। तो प्रोजेक्ट्स पे हम जा सकते हैं, प्रोजेक्ट वाले टैब पर। तो यहाँ पर हमें देख सकते हैं कि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी से ये मतलब जल्द ही हमें देखने को मिलेंगे इस प्लेटफॉर्म पे जैसे ही लॉन्च करेंगे। दे आर ऑलरेडी वेटिंग टू बी क्राउड फंडिंग और दे प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे इस टाइप का सैंपल होगा, जैसे अगर आप अपना कोई प्रोजेक्ट डालते हो तो यहाँ पे इस टाइप का वो दिखेगा, पूरी डिटेल दिखेगी, लोगों को नजर आएगा और फिर उसमें वो लोग इन्वेस्ट करना चालू कर देंगे, मतलब क्राउड फंड करना चालू कर देंगे। फिर उसके बाद अगर वाइट पेपर्स की बात करें तो इन्होंने वाइट पेपर्स को काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने अलग अलग टाइप से बनाया है। एक वन पेजर है जिसमें वन पेजर में पूरे का पूरा जो कंसेप्ट है एक ही पेज में मतलब पूरा उन्होंने डाल दिया, अबाउट देयर टीम, अबाउट द प्रॉब्लम जो पहले होती थी और उसका क्या सलूशन इन्होंने दिया है और कैसे ये करेंगे, मतलब एवरीथिंग सारा कुछ इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एक बहुत अच्छा एक ओवरव्यू है वन पेज में। यानी मतलब अगर आप जाके देखना चाहते हैं भाई एक और कलेक्टिव है क्या चीज़, तो आपको इस वन पेजर से पूरी तरीके से समझ आ जाएगा। इनफैक्ट टोकन एलोकेशन वगैरह तक सारी इन्फॉर्मेशन एक पेज में ही आपको यहाँ पर
मिल जाएगी। उसके बाद बात करते हैं व्हाइट पेपर्स की, तो व्हाइट पेपर्स में भी इन्होंने दो टाइप के व्हाइट पेपर्स किए हुए हैं, एक सिंपल एक जनरल व्हाइट पेपर है, और यहाँ पे एक जनरल पूरा कंसेप्ट समझाया गया है कि भाई क्या है और कैसे कैसे ये वर्क करेगा। सिंपली यहाँ पे कोई टेक्निकल लिस्टिंग कुछ भी नहीं है, और फिर इनका एक टेक्निकल पेपर बिल्कुल अलग है। ये इसी टाइप का हमने आईसीओ जो इसी टाइप का जो हमने व्हाइट पेपर्स था वो देखा था ईटीएन मतलब इलेक्ट्रॉनियम के लिए, जब जहाँ उन्होंने एक जनरल व्हाइट पेपर एंड टेक्निकल व्हाइट पेपर को अलग अलग किया हुआ था। तो आप इन व्हाइट पेपर्स के थ्रू जा सकते हैं, तो आप इन व्हाइट पेपर्स पे जा सकते हैं, यहाँ पे जाके आप पूरा इसको स्टडी करें तो आपको समझ आएगा क्या इनका कंसेप्ट है, कैसा ये लोग काम कर रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसके फ्यूचर प्रिडिक्शन की। तो देखिए कंसेप्ट वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से इसमें जितने भी हम ऑलमोस्ट वीडियोस लेकर आते हैं कंसेप्ट उसके हम पिक करके ही लाते हैं, तो कंसेप्ट में मुझे लगता है कहीं किसी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत सारे आईसीओ की लिस्ट में से हम पिक करते हैं, और एक भाई ने हमारा पूछा भी था कमेंट्स में हमसे कि भाई आप आईसीओ को कैसे पिक करते हो कहाँ से, तो आईसीओ बेंच से हम लोग पिक करते हैं, जो भी ट्रेंडिंग में हो या जो पॉपुलर हमें लगता है कि जिसका कंसेप्ट अच्छा है हम उसका कंसेप्ट को लेकर आते हैं आपके सामने, और फिर आप उसमें हम यही कहते हैं कि आप उसको एनालाइज करें अपने हिसाब से और अपने हिसाब से उसमें इन्वेस्ट करें। तो फ्यूचर प्रेडिक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए कंसेप्ट में नो डाउट बहुत अच्छा है, किक स्टार्टर बहुत अपने आप में सक्सेसफुल रहा था जब जब से आया है, और इनफैक्ट आज भी सक्सेसफुल चल रहा है। अब वही कंसेप्ट अगर आप ब्लॉकचेन पे आए, जैसे मैंने कहा कि मैं मोस्टली मैंने कई सारी वीडियोस में अपने कहा भी है कि पहले जब इंटरनेट पे सारी चीजें आ रही थी तो वो इंटरनेट का एरा था, आज ब्लॉकचेन का एरा है, तो ब्लॉकचेन पे सारी चीजें आ रही हैं, तो अब ये क्राउड फंडिंग का भी प्लेटफॉर्म जो है हमारा ब्लॉकचेन के ऊपर आ गया है। एंड अब यहाँ पर एक चीज़ और भी अच्छी है कि भाई यहाँ पे इनका कोई कमीशन कट नहीं है, जितना फंड्स इकट्ठे होंगे वो सारे के सारे हमें मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से कंसेप्ट वाइज वेरी गुड, फ्यूचर बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। डिपेंड करता है ऑफ कोर्स, मैं फिर से जैसे बोलता हूँ कि अब कितने अच्छे लेवल पे ये लोग अपने इसके प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट अच्छा है अभी भी, अगर ट्रेंडिंग आईसीओ चल रहा है, अगर आईसीओ बेंच के ऊपर आप इसको देखें तो कुछ ना कुछ सोच के ही लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे होंगे, तो इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से अच्छा है और आपको प्रॉफिट ही मिलने वाला है इसमें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा जो वीडियो है पसंद आया होगा, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप मतलब सब्सक्राइब करें, एंड हमारा टेलीग्राम एक चैट ग्रुप भी है जहाँ पर हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स के राउंड्स चलते हैं और सारे लोग एक ही कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व रहते हैं, तो आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन करिए, लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिलहाल आज के लिए थैंक यू।